नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। महाराष्ट्र कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बन चुका है। यहाँ अब तक 52,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। लगभग 1700 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना का आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राज्य में प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी अब सीएम उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी पर आक्रामक हो गई है। कोरोना वायरस को रोकने में नाकाम दिख रही उद्धव सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आह्वान किया था कि लोग काला कपड़ा पहनकर बालकनी में आएं और उद्धव सरकार के खिलाफ नारे लगाएं और बैनर दिखाएं, जिसके बाद पुणे और मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में भाजपा के विधायक, सांसद और कार्यकर्ता काले कपड़े में ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बीजेपी की ओर से इसे महाराष्ट्र बचाओ अभियान का नाम दिया गया था। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे ने सोमवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के कारण राज्य की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। नारायण राणे ने कहा कि ठाकरे सरकार कोरोना संकट को संभाल नहीं सकती है। इस सरकार के पास क्षमता नहीं है। ये सरकार कोरोना से निपटने में विफल रही है, इसीलिए यह राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को बचाने में सक्षम नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। कोरोना राज्य में गहरा संकट पैदा कर रहा है। राणे ने आगे कहा कि वर्तमान में महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति गंभीर हो रही है। मरीज और मौतें बढ़ रही है। राज्यपाल को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और महाराष्ट्र मुंबई में मौतों को रोकना चाहिए। इस संबंध में प्रयास किए जाने चाहिए। नगर निगम और राज्य के सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है। अस्पताल में प्रवेश न मिलने से कई मरीजों की मौत हो चुकी है। तो इस तरह से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे ने उद्धव सरकार की नाकामियों की पोल खोलते हुए राज्यपाल से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव सरकार पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो प्रवासी मजदूरों के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते मजबूरी में गरीब मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर निकल रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।